जैसे आई लव टीना मीना एंड एक्स वाई जेड, सो अगर आप टीना के साथ ज्यादा कनेक्टेड तो आप शायद ऐसे, अगर मुझे किसी का हैंडराइटिंग चेक करना है और उससे कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने की ये बंदा ऐसे ऐसे है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंस लास्ट 14 इयर्स आई हैव बीन डिकोडिंग द मिस्ट्री ऑफ सिंबल्स लोगोस एंड ग्राफोलॉजी टू अनलीश द लाइफ बिजनेस एंड फाइनेंसेस। तो ये बात तो है ऐसी। अब ऐसी बात है, आपने ये प्रश्न पूछा मुझसे कि क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायर नहीं, ये जो टेक्निक है ये टेक्निक हमको कहाँ पे यूज होती है। समझो आपकी दुकान में चोरी हो गया, आप हीरो के व्यापारी हो और आपकी दुकान में चोरी हो गया, और अब जो भी इंसान आपके साथ काम कर रहा है वो पिछले 10 साल से काम कर रहा है। अब ये 10 साल से जो लोग काम कर रहे हैं इनको तो आप डायरेक्टली बोल नहीं पाओगे कि यार तुम में से ही एक चोर है, है ना। किसको बोलोगे, जिसको भी बोलोगे वो उसके साथ आपके रिलेशन तो घर जैसे, आपका घर का व्यक्ति सदस्य के जैसा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम उनसे वो लिखवा के ले लेंगे कि मैंने चोरी नहीं की और मेरा इस चोरी में हाथ नहीं। तो यहाँ पे वो फिर वेरिएबल साइज जो है वो काम में आ जाता है। यहाँ पे सडन चेंज ऑफ प्रेशर, सडन चेंज ऑफ स्लॉट, सडन चेंज ऑफ साइज, जो जो चोर है वो चोरी का वर्ड लिखते समय बराबर गड़बड़ कर देगा। ओके, तो ऐसे जगहों पे ये सब चीजें यूज होती है, इसके लिए हमने आपको ये सिखाया। ओह ओके ओके, जहाँ पे आपका इन्वेस्टिगेशन करना है, तहकीकात करनी है, आपको किसी चोर को पकड़ना है, किसी मुजरिम को पकड़ना है राइटिंग में से, तो हम उसको ऐसे अलग अलग चीजें लिखवाने के लिए बोलेंगे। और जो जब वो ये सब चीजें लिखता है तो वहां से फिर वो पकड़ में आ जाता है, ये चोर है, ये चोर नहीं, ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ नहीं कर रहा, ऐसे उतने 2 सेंटेंस में पकड़ में आ जाएगा। आप खुद भी करके देखो, आप झूठ जो है लिख के देखो। अरे भाई ये आइडिया अच्छा है। क्या करो, आधा आधा पेज लिखो, आप आधा पेज लिखो 8-10 सेंटेंसेस और बाद में एक झूठ लिख दो। ओके ओके, साइज चेंज हो जाएगा। चलो ट्राई करो, फ्लो में रहोगे ना, फ्लो में रहते हो तो फ्लो में रहते समय झूठ लिखने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली। ये तो कई जगहों पे ना एज अ मसल टेस्ट भी करके यूज होता है ना, कि ऐसे झूठ सच बोलते हैं और हाथ दबाते हैं तो हाथ नीचे नहीं जाता है, झूठ बोलते हैं हाथ दबाते हैं तो आपका जो मसल्स है ना इट रिस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स। और राइटिंग जो है वो साइको न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी, साइको न्यूरोमस्कुलर। तो साइको मतलब आपका माइंड आ गया, न्यूरो मतलब आपका ब्रेन आ गया, और मसल मतलब आपके मस्कुलर मतलब आपके मसल्स आ गए, आपकी बॉडी आ गई। तो झूठ बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आपका झूठ पकड़ में आता ही। आप अपने बच्चों के साथ करके देखो। हाँ, बच्चों को लिखो, ऐसा लिखो, और एक चीज आप खुद ही छुपा देना, नहीं तो क्या कर सकते, वो उन्होंने गलती की होनी चाहिए। अगर गलती की है ना तो वो बराबर से उसमें दिख जाएगा। ओके ओके, या फिर ठीक है वो झूठ भी लिखेंगे तो चलेगा। मेरा नाम अगर रानी नाम ही है तो मेरा नाम रानी है, ये लिखने के अलावा लास्ट।